पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इक्वली, यानी इन रेशियो 1:1। इनकी बैलेंस शीट जो है वो हमें दे रखी है ऑन 31 मार्च 2024, जिसकी लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स है ए की ₹3 लाख, बी की ₹2 लाख। इनके करंट अकाउंट दे रखे हैं ए का 80,000, बी का ₹60,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2,60,000, बिल्स पेबल दे रखा है ₹1 लाख, टोटल है ₹10 लाख। ठीक है बच्चों, उसी तरह से एसेट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है ₹3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है ₹2 लाख, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दे रखा है ₹50,000, स्टॉक दे रखा है ₹1,50,000, डेटर्स दे रखे हैं और प्रोविजन दे रखा है, डेटर्स है ₹1,50,000 जिसके अगेंस्ट प्रोविजन है ₹10,000, नेट अमाउंट है ₹1,40,000। उसके अलावा बिल रिसीवेबल है ₹60,000 और बैंक बैलेंस दे रखा है ₹1 लाख और टोटल है ₹10 लाख। यह है इनकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2024। अब 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को सी को नया पार्टनर बनाया गया। सी जो है वो 2,50,000 अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है। क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि जो फर्म की गुडविल है वो निल है, तो इसका मतलब सी को गुडविल लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें बताया गया कि जो क्रेडिटर्स हैं ₹15,000 के, वो हमें नहीं पे करने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर को आपको ₹15,000 कम करना है। फिर बताया गया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो ₹20,000 है, इसका भी ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि आपने कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बना रखा है, तो एक तरह से ये लाइबिलिटी है जो पूरी तरह से 20,000 इंक्रीज हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में कहा गया है कि वो 10% होना चाहिए डेटर्स का। ठीक है बच्चों, तो डेटर है 1,50,000, उसका 10% निकालेंगे तो वो आएगा 15,000। इसका मतलब हमें प्रोविजन को 5,000 इंक्रीज करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पुराना प्रोविजन है 10,000, नया प्रोविजन है 15,000, हमें प्रोविजन को 5,000 इंक्रीज करना होगा। फिर ये भी कहा गया है कि पार्टनर्स आगे से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करना चाहते हैं, यानी ये जो करंट अकाउंट्स हैं इनको हमें कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज करना होगा, क्योंकि आगे से सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन किए जाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल कैपिटल अकाउंट्स ही मेंटेन किए जाते हैं ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पर एक पॉइंट हमें और दे रखा है, दो पॉइंट्स मतलब दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है कि जो बिल पेबल है ₹40,000 का, वो क्रेडिटर ने इशू किया था, उसे हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस पॉइंट की वजह से जो आपका बिल पेबल है वो तो 40,000 बढ़ जाएगा और जो क्रेडिटर है वो 40,000 कम हो जाएंगे। बट ये पॉइंट रिवॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, और जो क्रेडिटर में बिल्कुल नहीं पे करने होंगे उसकी वजह से जरूर हमारा फायदा हो रहा है, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जरूर आएगा आपका। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक पॉइंट और कहा है कि ए ने जो है फर्म को ₹1 लाख का लोन दिया है बिजनेस को एट द रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। तो ए ने ये लोन आज ही दिया है फर्म को, तो उसका इंटरेस्ट तो आप बिल्कुल मत निकालिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट निकलेगा तो जब आगे निकलेगा कभी इन फ्यूचर, आज नहीं निकलेगा। ये जो लोन है ए का, ये एक तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा ऑफ द न्यू बैलेंस शीट और साथ के साथ जो बैंक बैलेंस है उसमें ऐड भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुल मिला के इतने पॉइंट्स हैं आपके क्वेश्चन में, और आपसे कहा गया है कि आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए।
तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों, पहले हम अपने रिवॉल्यूशन अकाउंट से। तो बच्चों जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो क्रेडिटर आपको नहीं पे करने हैं उनको आप क्रेडिट साइड लिख दीजिए 15,000। जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका नया आया है उसको आप रिकॉर्ड करिए डेबिट साइड में। उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10%, वैसे 10% तो टोटल 15,000 हो जाएगा 1,50,000 का, बट नए प्रोविजन और पुराने प्रोविजन का जो डिफरेंस है वो है 5,000, उसको यहाँ रिकॉर्ड करिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके रिवॉल्यूशन के पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इतने ही पॉइंट थे। अब आप रिवॉल्यूशन का लॉस निकाल लीजिए, साफ नज़र आ रहा है डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से बड़ा है, तो डिफरेंस लॉस हो जाएगा जिसको आप ए और बी में बांट देंगे इक्वली 5,000। आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो उनका पुराना बैलेंसेस जो ए और बी के करंट अकाउंट के थे उसे यहाँ लिख लीजिए 80,000 और 60,000। जो रिवॉल्यूशन लॉस था वो यहाँ लिख दीजिए 5,000। और अंदर कुछ नहीं है जो पार्टनर्स में बांटा जाए, नया पार्टनर कोई गुडविल लेकर आया नहीं है। ठीक है बच्चों, और अंदर आपका कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या पुरानी गुडविल कुछ भी नहीं है। अब जो करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस होगा उसको कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 75,000 इसका आ जाएगा ए का, और से 55,000 आ जाएगा बी का, टोटल है 80,000 और 60,000। करंट अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट केवल ए और बी के लिए बनाना है, सी का करंट अकाउंट ना पहले था और ना आगे कभी होगा, क्योंकि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना चाहते हैं। जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे बच्चों तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस देख लीजिए, 3 लाख एंड 2 लाख, ए का है 3 लाख, बी का है 2 लाख। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था उसको लिख लीजिए बाय बैंक, ये कैपिटल लेकर आया था 2,50,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो आपने करंट अकाउंट्स को ट्रांसफर किया था कैपिटल अकाउंट में वो लिख लीजिए बाय करंट अकाउंट करके, ए का आया था 75,000, बी का आया था 55,000। और कुछ फिलहाल है नहीं यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया जाए कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो ए का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3,75,000, बी का आ जाएगा 2,55,000 और सी का आ जाएगा 2,50,000। ठीक है बच्चों, ये बन गए इनके कैपिटल अकाउंट्स। रिवॉल्यूशन अकाउंट का लॉस हम ऑलरेडी उसमें लिख चुके थे बच्चों, करंट अकाउंट में गुडविल जो है थी नहीं इस क्वेश्चन में, पुराना कुछ था ही नहीं जो पार्टनर्स में बांटा जाता, इसलिए बहुत कम चीज़ें ही करंट अकाउंट में आई थी। और करंट अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस था वो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, और नए पार्टनर के को लिखने के बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को भी क्लोज कर लिया। आइए अब बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो आपका कैपिटल्स हैं वो ए बी सी और तीनों की लिखिएगा। ए का आया था 3,75,000, बी का 2,55,000, सी का 2,50,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स जो हैं आपके वो पहले थे 2,60,000, 15,000 जो पे हमें नहीं करने वो कम हो गए, 40,000 आपके जो बिल में कन्वर्ट हो गए वो कम हो गए, तो कुल मिला के 55,000 कम कर दीजिए, क्रेडिटर आएंगे 2,05,000। बिल पेबल पहले था रुपीज़ 1 लाख, 40,000 के बिल और बढ़ गए तो वो हो गया 1,40,000। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो नई लाइबिलिटी आई थी उसको लिख लीजिए 20,000। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में बच्चों आपको सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिखना है एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ 3 लाख। फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी लिखना है 2 लाख, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आपको फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिखना है 50,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आपको स्टॉक लिखना है 1,50,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आपको डेटर्स लिखने हैं 1,50,000, और प्रोविज़न लिखना है 15,000, क्योंकि नया प्रोविज़न लिखा जाता है इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, फिर आपको लिखना है बिल रिसीवेबल एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ।
60,000। फिर आपको लिखना है बच्चों बैंक का बैलेंस, जो कि आएगा 1 लाख, पहले था 1 लाख, 2,50,000 जो है वो सी कैपिटल लेकर आया और 1 लाख जो है इन्हें लोन दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों 4,50,000। और ए का लोन यहाँ भी लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है लायबिलिटी साइड में, 1 लाख। सही है बच्चों? तो आपका बैलेंस शीट में कुल मिला के इतनी ही चीज़ें आनी चाहिए बच्चों। कैपिटल्स आपकी 3,75,000, 2,55,000 और 2,50,000। क्रेडिटर्स 2,05,000, 15,000 जो नहीं पे करने वो कम करें, 40,000 जो बिल एक्सेप्ट करा वो कम करें। बिल पेबल ने 40,000 बढ़ा के लिखा है, ठीक है बच्चों, 1,40,000। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो हमें अभी देना है वो लिख लिया, और इन्हें जो फर्म को लोन दिया 1 लाख वो लिख लिया। उसके बाद एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक, चारों को एज इट इज लिखा। डेटर को भी एज इट इज लिखा, बस प्रोविजन को नया वाला लिखा है 15,000। बिल रिसीवेबल एज इट इज लिखा, और बैंक में नए पार्टनर कैपिटल और एक ने जो लोन दिया है उन दोनों को जोड़कर लिखा है, तो वो 4,50,000 आ गया। टोटल आ जाएगा बैलेंस शीट का 13,45,000। उसको दोनों तरफ लिख दीजिएगा बच्चों, 13,45,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 59 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024।